जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। आज हम सुनते हैं आसपास के गांव के महिलाएं आती हैं, वह कहती है हमारे घर में वे जो पुरुष लोग हैं पति है वह कमाते तो है नहीं, शराब पीते रहते हैं, किंतु हम 100 रुपए कमा करके शाम को ले जाते हैं, लकड़ी काट करके सुपरी बेच करके आते हैं, 100 कमा करके घर चले जाते हैं, मार पीट करके 100 रुपए भी छुड़ा लेते हैं और हम भूखे पेट सो जाते हैं। थोड़ा सा विचार कर लेना, स्वयं न कमाकर दूसरों को पैसे छुड़ाने वालों, 100 कमाकर 500 उड़ाने वालों, थोड़ा सा विचार करो कि इन सब के प्रति आपने कर्तव्य निभाया है क्या? अपने बच्चों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति, अड़ोस पड़ोस वालों के प्रति, और अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति कोई दायित्व तो नहीं है क्या? पशु भी इससे बेहतर जीवन जीता है। थोड़ा सा विचार कर लेना, क्या हो गया तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा, और तुम तुम्हारे प्रति कौन कर्तव्य का परिपालन करेगा बोलो? ऐसी स्थिति में बंधुओं विचार कर लेना, तुम जब दूसरों के प्रति कर्तव्य का परिपालन करोगे दूसरा भी तुम्हारे प्रति कर्तव्य का परिपालन करेगा। यदि आप चाहेंगे मैं न करूँ और सामने वाला करता रहे, ये संभव नहीं है। एक छोटी सी घटना सत्य घटना है बंधु, आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि वास्तव में तत्कालीन राष्ट्रपति 20 जनवरी 1961 की घटना है। 20 जनवरी 1961 की घटना है, स्थान US, कैपिटल वाशिंगटन DC। बंधुओं तत्कालीन राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है और उस समय राष्ट्रपति पद के लिए चुन करके आ जाते हैं, और कौन आ जाते हैं कि John F. Kennedy। और उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद John F. Kennedy ने 1364 शब्दों का चर्चित अभिभाषण, 1364 शब्दों का चर्चित अभिभाषण उन्होंने सुना दिया था। वह उसका आशय यह है, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, ये मत पूछो कि देश तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। इस अभिभाषण को उन्होंने पढ़ लिया था, उन्होंने क्या बोल दिया था, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, लेकिन उन्होंने इसमें यह कह दिया था कि बंधु दिया उसमें 13 मिनट 59 सेकंड लगे थे, लेकिन उतने समय में उन्हें हिला दिया। अमेरिका की इतिहास में यह भाषण आज भी सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति अभिभाषण माना जाता है। केनेडी ने कहा था कि क्या विश्व के लंबे इतिहास में संकट की घड़ी में चंद पीढ़ियों को ही स्वतंत्रता की रक्षा करने का अवसर मिलता है। हमारे देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का अवसर कितने लोगों ने प्राप्त किया है, हमें स्वतंत्रता तो पा लिया। उन्होंने भी कह दिया था विश्व के लंबे इतिहास में, इतिहास के पन्नों को पलट करके देखे, संकट की घड़ी में चंद पीढ़ियों को ही, जब चीन और भारत का युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो आदि, चंद पीढ़ियों को ही, संकट की घड़ी में चंद पीढ़ियों को ही स्वतंत्रता की रक्षा करने का अवसर मिलता है। मैं इस जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ूंगा, और उन्हें कह दिया था मैं इसका स्वागत करता हूं, मैं राष्ट्रपति बनने के कारण मैं इसका स्वागत करता हूं, मेरा विश्वास है कि हम में से कोई भी इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ेगा। अमेरिका वासियों को इस उद्बोधन से ललकारा था और अंत में कह दिया था इसीलिए मेरे देशवासियों, अमेरिका वासियों, ये मत पूछो कि देश तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, लेकिन तुम ये सोचो मैं देश के लिए क्या कर रहा हूं। थोड़ा सा विचार करो, हम सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं ये नहीं सोचते हैं, दूसरा हमारे लिए क्या कर रहा है ये सोचते हैं।
इसीलिए सिर्फ 1364 शब्द हैं, 13:59 का ये अभिभाषण आज भी बहुत ही आदर के साथ सम्मान दिया जाता है। बंधु विचार कर लेना, हम कभी ये ना सोचते कि हमारे माता पिता ने, हम सभी ये सोचते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे प्रति क्या कर्तव्य का परिपालन किया, नेता ने हमारे प्रति क्या कर्तव्य का परिपालन किया, समाज ने हमारे लिए क्या किया है, किंतु कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हमने इन सब के प्रति क्या कर्तव्य का परिपालन किया है। थोड़ा सा सोचो कि हमने कि उनके लिए क्या कर्तव्य के परिपालन किया है, वास्तव में कि हमने इनके प्रति क्या कर्तव्य का परिपालन किया, ये सोचना ही वास्तव में कर्तव्य है। उन्होंने हमारे प्रति क्या कर्तव्य का परिपालन किया है, यह सोचना नहीं। बंधु कर्तव्य को समझ लेना, व्यक्ति कर्तव्य करता है। कितना विचित्र लगता है दुनिया में, कितना जीवन सरल है, लेकिन हमने उसको क्लिष्ट बना लिया है। हम अपने आचार और विचारों के कारण हम कुंठित होते जा रहे हैं, हम कुशलता को खोते जा रहे हैं। बंधु अपने इन कर्तव्यों का परिपालन कोई भी कर सकता है, स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, पशु भी अपना कर्तव्यों का परिपालन कर सकता है, मनुष्य भी अपना कर्तव्यों का परिपालन कर सकता है, कभी भी कर सकते हैं। आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, संकट के समय भी आप अपने कर्तव्यों का परिपालन कर सकते हो। सिर्फ सुविधाओं में नहीं, यही कर्तव्य है। सिर्फ सुविधाओं में ही साथ देना कर्तव्य नहीं हो सकता, संकट में भी साथ निभाना कर्तव्य होता है। महासती सीता, प्रभु रामचंद्र जब रनवास में रहे, जब दरबार में रहे, उस समय उनके साथ चली, ऐसी बात नहीं। जब संकट की घड़ी आ जाती है, जब प्रभु राम को वनवास भेज दिया जाता है, तब उन्होंने भी उसे रनवास के राजमहल के सुख सुविधाओं को छोड़ करके प्रभु रामचंद्र के संकट में साथ दिया, उन्होंने अपने कर्तव्य को परिपालन किया, कर्तव्य को निभाया। यह होता है कर्तव्य का परिपालन करना, सुख सुविधाओं में साथ देना नहीं, संकट में भी साथ देना और निस्वार्थ भाव से साथ निभाना, और वो भी अच्छे काम में अच्छे काम करके साथ देना, बुरा मार्ग में बुरे कर्म में लगा कर नहीं, बिगाड़ कर नहीं, बिगाड़ने के लिए नहीं। इसका नाम कर्तव्य है, निज और पर के कल्याण के लिए, निज और पर के हित के लिए, निज और पर के जीवन निर्माण के लिए सत्कर्म करने का नाम कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है हमारा, इतना बड़े हो गए हम लोग, हम कभी भी कर सकते हैं, दिन में कर सकते हो, रात में कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, शाम कर सकते हो, दोपहर में कर सकते हो, संकट में भी कर्तव्य का परिपालन कर सकते हैं, और सुविधाओं में अनुकूलता और प्रतिकूलता में भी आप कर्तव्य का परिपालन कर सकते हैं। भगवान महावीर ने अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता को नहीं देखा, प्रभु रामचंद्र ने अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता को नहीं देखा, सामने से आने वालों की अनुकूलता और प्रतिकूलता को देख करके उनके काम को आगे बढ़ाया और उनको आगे बढ़ाया है, अपने कर्तव्य को निभाया है। बंधु इसलिए वो महापुरुष बन गए, और हम उनके अनुयायी बन करके भी सब सुनते हुए भी हम जहाँ का तहाँ हैं। ज्ञान की कमी नहीं है, कर्तव्य की कमी है, क्रियाशीलता की कमी है। बंधु थोड़ा सा विचार कर लेना, और कहीं भी कर सकते हैं, हाँ चाहे दुकान में कर सकते हो, चाहे मंदिरों में कर सकते हो, चाहे दुकान में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में हो, और चाहे बाजार में हो, चाहे जेल में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कोर्ट कचहरी में हो, चाहे महल में हो या जंगल में हो, आप अपने कर्तव्य का परिपालन कर सकते हो और निज और पर का कल्याण कर सकते हो, जो मैं यहाँ पर जंगल में बैठ करके करने का कोशिश कर रहा हूं।
कर्तव्य का परिपालन करने के लिए महल की आवश्यकता नहीं है, कार्यशाला की आवश्यकता नहीं है, वर्कशॉप की आवश्यकता नहीं है, निज और कल्याण पर के कल्याण करने के लिए। हमारे बोरावासी आए गुजर के समाज के नेता और बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे वक्ता भी है, वो कह रहे हैं कि बाबा हर व्यक्ति जंगल वाले बाबा नहीं हो सकता है। मैं समझता हूँ बंधुओं, मैं जो अपने कर्तव्य का परिपालन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कल्याण के लिए भी कर रहा हूँ। अब मैं जानता हूँ मैं आपके लिए क्यों कर रहा हूँ, आपके प्रति कर्तव्य का परिपालन किए बिना मेरा कल्याण भी नहीं हो सकता, मैं इसलिए आपका भी कल्याण करने में लगा हूँ, आपके प्रति भी कर्तव्य कर रहा हूँ, मैं अपने प्रति और आपके प्रति इसलिए कर रहा हूँ। बंधुओं, ये कोई वर्कशॉप से काम नहीं होगा, ये कोई वर्कशॉप से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा जीने की कला को सीख लेना। जो व्यक्ति कर्तव्य करना सीखता चला जाता है वह जीने की कला को सीखता चला जाता है। समझ में आ रहा है क्या? जीने की कला को सीखना चाहते हो तो वर्कशॉप में बैठ करके, एसी कमरे में बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके, इस कान से सुन करके, इस कान से निकाल करके बाहर मत आना। कदम कदम कर कर्तव्य का परिपालन करना, और कर्तव्य का परिपालन करना कैसे करना, कब करना, कहाँ करना, किसके साथ करना, कैसे करना, ये सीखना प्रारंभ कर देना। यही तुम्हारे लिए वर्कशॉप है, वही तुम्हारे लिए प्रयोगशाला है, और यहीं से तुम कर्तव्य का परिपालन करना सीख लोगे तो उसी में तुम जीवन जीने की कला स्वयं में सीख जाओगे, तुम्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शब्द जाल से कोई कर्तव्य का परिपालन नहीं कर सकता, जीवन जीने की कला नहीं सीख सकता। चलना होगा, कदम कदम पर चलना होगा और समझकर चलना होगा। कर्तव्य करता है, कर्तव्य करना अलग होता है और करना पढ़ना अलग होता है। मेरे को तो लगता है आज आप लोगों को कर्तव्य करना पड़ रहा है। क्यों महाराज, क्या बताएं, 100 रुपए कमाते हैं, बच्चों का पालन पोषण करना पड़ रहा है। अरे वाह, कर्तव्य करना अलग होता है, करना पड़ना अलग होता है। कोई मजबूरी में कर्तव्य परिपालन करता है, कोई मजबूरी में कर्तव्य का परिपालन करता है। से आवश्यक होते देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम, चेति, गृहस्थानाम षटक्रियाणि दिने दिने। यहाँ पर ये कह दिया है देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय और आदि आदि जो 6 आवश्यक है कि कोई इन्हें समझकर खुशी से पालन करता है और कोई मजबूरी में पालन करता है। महाराज आए थे और आहार के समय में उन्होंने जबरदस्ती नियम दिलाया है, अब मंदिर तो जाना ही पड़ेगा, दर्शन तो करना ही पड़ेगा, स्वाध्याय तो करना ही पड़ेगा, पूजन तो करना ही पड़ेगा, दान देना ही पड़ेगा मजबूरी में। कोई मजबूरी में करता है तो कोई खुशी से समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके करता है। याद रखना, बिना इच्छा के मजबूरी में धर्म कर्म और कर्तव्य का परिपालन करने से कर्म निर्जरा नहीं होती है, वहां पर तो अकाम निर्जरा होती है। बिना इच्छा के भीख नहीं मिलने से कोई भूखा रह जाता है तो उनका उपवास नहीं हो सकता है। बंधुओं, चिंतन कर लेना, अनेक लोग हैं दुनिया में जो काम मजबूरी में कर रहे हैं। सौतेली माँ बच्चों का पालन पोषण करती हैं, खुशी से नहीं करती हैं, कैसे करती हैं? जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः।
जंगल वाले बाबा।